As we know, there is also an epidemic in our country named Corona. Due to it, online classes by video are being provided for you. Today, we are assembled here to study the poem in English literature, The Tribute. This poem was composed by a great poet, Thomas Carew. He was the poet of 16th century. He got a lot of fame and name in his career. In this poem, the poet tells about the beauty, as we see the title, The True Beauty. जैसा कि हम टाइटल देख रहे हैं कि इस पोएम में पोएट ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हर पर्सन का ब्यूटी के प्रति अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है. हियर टू काइंड ऑफ ब्यूटी आर बीइंग एक्सप्लेन. फर्स्ट इज फिजिकल ब्यूटी एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअल ब्यूटी. फिजिकल ब्यूटी शोज द ब्यूटी ऑफ एट्रैक्शन. फिजिकल ब्यूटी शोज द ब्यूटी ऑफ आवर बॉडीली फीचर्स एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी शोज द ब्यूटी ऑफ आवर टैलेंट, आवर क्वालिटीज. इट शोज दैट द पर्सन हु सिलेक्ट्स, द पर्सन हु चूजेस फॉर फिजिकल ब्यूटी, दे आर इंफीरियर इन सोसाइटी. द पर्सन हु चूज फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी, दे आर प्रेसवर्दि, दे आर एडमायरेबल इन आवर इंडियन सोसाइटी. बिकॉज द एडमायरेशन ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी इज कंटिन्यूली डेवलप्ड इन फ्यूचर. नाउ वी विल सी द टेक्स्ट ऑफ ट्रू ब्यूटी इन आवर बुक. स्टार्टिंग द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस. In this poem, we are seeing there are two stanzas. First stanza has 6 lines and second stanza has also 6 lines. We know that the stanza of 6 lines is known by the name of sestet. So, this poem has been explained in 2 sestet. देखिए, इस poem में 6 lines का first stanza है और second stanza में भी 6 lines दी हुई. Now we see the text of this poem. First line, he that loves a rosy cheek or coral lip admires or from star-like eyes doth see. इस first stanza में poet explain करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो spiritual beauty के लिए महत्व नहीं देता और physical beauty के लिए ज़्यादा महत्व देता है. ऐसे व्यक्ति के बारे में इस स्टंजा में बताया गया है. जैसा कि फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं, ही दैट लव्स ए रोजी चीक. ही कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई विशेष व्यक्ति है, दैट जो लव्स ए रोजी चीक. रोजी चीक, चीक हम जानते हैं कि गालों के लिए कहा जाता है. यहाँ रोजी चीक का जो मीनिंग है वो गुलाबी गाल, इसका मतलब है फिजिकल ब्यूटी. सेकेंड लाइन में कोरल लिप. कोरल लिप, लिप होठों के लिए कहते हैं. कोरल एक मूंगा होता है, तो मूंगा से कंपेयर किया गया लिप्स के लिए. कोरल लिप्स का मींस, जैसे फर्स्ट लाइन में रोजी चीक का फिजिकल ब्यूटी को इंडिकेट करते हैं, इन द सेम वे सेकेंड लाइन में कोरल लिप का मींस फिजिकल ब्यूटी ही है. और थर्ड लाइन में स्टार लाइक, ये जो फ्रेज आया है, तारे जैसी आँखें, इसका मींस भी फिजिकल ब्यूटी. पहले आप ये समझ लीजिए, अब आप देखिए शुरू से. वह व्यक्ति जो रोजी चीक्स को प्रीफर करता है, अधिक महत्व देता है, यानी कि फिजिकल ब्यूटी को लाइक करता है. और कोरल लिप एडमायर, ऐसा व्यक्ति जो कोरल जैसे लिप्स को एडमायर करता है, कोरल जैसे लिप्स की प्रशंसा करता है, मींस फिजिकल ब्यूटी को प्रीफर करता है, फिजिकल ब्यूटी को अधिक महत्व देता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, और स्टार लाइक आइज, तारे जैसी आंखें, मींस चमकती हुई आंखें, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी आंखें जो सुंदरता का एक हिस्सा बनी हुई हैं, मींस
ये भी फिजिकल ब्यूटी को ही इंडिकेट कर रही है। फिजिकल ब्यूटी को अधिक महत्व देने वाला जो व्यक्ति है वो जीवन में कभी भी बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, देखिए यहाँ पर पोइट ने फ्यूल कहते हैं हम लोग ईंधन के लिए और फायर कहते हैं आग के लिए। अब हमें यह समझना पड़ेगा फ्यूल ईंधन, ईंधन किसका ईंधन की बात किया गया है और फायर किसको कहा गया है। फायर कहा गया है क्यूरियोसिटी फॉर लव, क्यूरियोसिटी फॉर लव, प्रेम की उत्तेजना, प्रेम की उत्सुकता। और फ्यूल जो कहा गया है ईंधन वो ब्यूटी के लिए कहा गया है। पोइट सेज दैट ब्यूटी मीन्स फिजिकल ब्यूटी इज द फ्यूल ऑफ शॉर्ट टाइम लव। फिजिकल ब्यूटी जो है वो शॉर्ट टाइम लव का फ्यूल है। ऐसा क्यों कहा है पोइट ने? जब तक कोई व्यक्ति जो फिजिकल ब्यूटी को प्रीफर कर रहा है, फिजिकल ब्यूटी को महत्व दे रहा है, तो उसका लव तब तक सर्वाइव होने वाला है, उसका लव तब तक मेंटेन रहने वाला है जब तक कि ब्यूटी प्रेजेंट होगी। ब्यूटी एब्सेंस हो जाएगी तो उसका लव स्वतः समाप्त हो जाएगा। एज ओल्ड टाइम मेक्स डीज डिके, जो जो ओल्ड टाइम आएगा, वी नो वेरी वेल, हम लोग जानते हैं कि चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। Nobody can separate himself from changes in the society. Time बढ़ेगा, जो जो टाइम आगे बढ़ेगा ब्यूटी समय के साथ साथ नष्ट होती जाएगी। कभी भी आप देख लीजिए एक बच्चे के बॉर्न से लीजिए, जन्म से लीजिए और उसके बड़े होने तक, उसकी ओल्ड एज तक कंपेयर करिए ब्यूटी को कि देर आर सो मैनी चेंजेस आर फाउंड इन हिज लाइफ, also in physical condition, also in mental condition, so his flames must waste away. यहाँ poet कहता है कि उसकी जो flame है, flame कहते हैं ज्वाला, आग की लपट को flame कहते हैं। यहाँ इसका sense जो है feelings for love से लगाया है। feelings for love जो है इसकी, उस व्यक्ति की प्रेम के प्रति जो भावनाएँ हैं वो नष्ट हो जाएंगी जैसे जैसे ब्यूटी एब्सेंस होती जाएगी। ब्यूटी एब्सेंट हो जाएगी और उस व्यक्ति का जो फीलिंग्स हैं, उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो पूर्णतया डिके हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक सेकेंड स्टेंजा में पोइट स्पिरिचुअल ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए हिंदी में आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं। ये वह सुंदरता होती है जो गुणों की सुंदरता होती है। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, स्मूथ का मीनिंग यहाँ सिमिलर है, एक समान है, शुद्ध साफ है। जो स्मूथ नेचर वाले लोग होते हैं और स्ट्रीट फास्ट माइंड, स्ट्रीट फास्ट का मीनिंग है दृढ़ विचार, दृढ़ विचारों के लोग होते हैं, जिनके मन में दृढ़ता होती है, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, उन लोगों के अंदर जेंटल थॉट्स पाई जाती है, साधारण सभ्य विचार पाए जाते हैं, काम डिजायर, और उनकी जो इच्छाएं हैं वो शांत इच्छाएं होती हैं। शांत इच्छाओं का मीन्स है कि वह अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, उनकी इच्छाएं उनके बुद्धि विवेक के अनुसार, कॉन्शियंस के अनुसार चलने वाली होती है। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि जो लोग इन क्वालिटीज को रखते हैं, स्ट्रीट फास्ट माइंड, स्मूथ नेचर, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर, निश्चित ही ऐसे लोग अपने मन में पूर्णतया दृढ़ता को रखते हैं और वह अपने लवर्स को जो प्रेम करते हैं उनका लव लंबे समय चलने वाला होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता जैसा कि स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए होता है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उन लवर्स के मन में इक्वल लव की फीलिंग्स पाई जाती हैं, उनका लव हार्टली होता है, लॉन्ग टर्म होता है, काइंड नेवर डाइंग फायर, फायर
फिर लव के लिए इंडिकेट किया है यहाँ, डीप लव के लिए गहरा स्नेह प्रेम, कैंडल लेबर डाइंग फायर, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कभी डाई नहीं होती, उनका अफेक्शन कभी कम नहीं होता। कैंडल का मीनिंग जगाना है, वेयर दीज आर नॉट, लास्ट टू लाइन में ध्यान से देखें, वेयर दीज आर नॉट, पोइट कहता है कि जहाँ ये सब नहीं होता। ये सब किसको कहा गया है? ये सब इन्होंने कहा है स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्वालिटीज के लिए। जहाँ जिन लोगों में स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्वालिटीज नहीं होती है, आई डेस्पाइस, पोइट कहता है मैं उनको डेस्पाइस करता हूँ। डेस्पाइस का मीनिंग हेट है, घृणा करना। मैं उस स्थिति को और उन लोगों को घृणा करता हूँ जिनके हर्ट में स्पिरिचुअल ब्यूटी के फीचर्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम एक बार फिर यहाँ से पढ़ेंगे लाइन, आई डेस्पाइस, पोइट कहता है आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स, लिप्स और आइज। लास्ट लाइन को थोड़ा समझना होगा, लवली चीक्स, लिप्स और आइज, एज वी हैव आल्सो रेड दीज थ्री वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन, दीज ऑल द थ्री वर्ड्स सोर्स फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी, नॉट फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी बट फॉर फिजिकल ब्यूटी। पोइट कहता है कि जहाँ स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्वालिटी नहीं होगी, मैं लवली चीक्स को, लिप्स को और आइज को, यानी कि फिजिकल ब्यूटी को पूरी तरह हेट करता हूँ। इस पूरी पोएम में ऐसा बताया गया है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ग्रेटर, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज बेटर इन द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट टर्म, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज बीइंग कंटिन्यूड फॉरएवर, सो एवरी पर्सन शुड प्रीफर फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी इन द स्कोप ऑफ देयर इंडिविजुअल लाइफ। दैट्स ऑल। नाउ फॉर होमवर्क, देयर आर बोथ द स्टंजा, फर्स्ट स्टंजा एंड सेकेंड स्टंजा बोथ, सभी स्टूडेंट्स पहला स्टंजा और दूसरे स्टंजा दोनों को एक्सप्लेन करेंगे और मेरे लिए भेजेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा बाद में मैं भी इनके नोट्स आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्रेशन प्रोवाइड कराऊँगा। दैट्स ऑल।